क्या कोई पेंटिंग जीवित हो सकती है? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो इसे बनने में 16 साल लग गए और क्यों लोग आज भी इस पेंटिंग को देखकर सम्मोहित हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पेंटिंग के बारे में जानेंगे कि क्या इस पेंटिंग का रहस्य जो दुनिया वालों के होश उड़ा देती है और इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वर्ल्ड के सबसे प्रसिद्ध और महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची, जो अपनी बेमिसाल काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था मोनालिसा। पेंटिंग का ये नाम मोनालिसा काफी फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पेंटिंग का असली नाम था मोनालिसा और इसका इटैली में मतलब होता है माय लेडी। मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने सन 1503 में बनाना शुरू किया था। उसे बनाते बनाते 16 साल लग गए और 1519 में ये पेंटिंग तैयार हुई। दा विंची को मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने में 12 साल का समय लगा था, लेकिन कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग अधूरी है। वो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे जो उनकी डेथ के कारण मुमकिन नहीं हो पाया। मोनालिसा पेंटिंग को किसी कपड़े या कागज पर नहीं बनाया गया है, इसको एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया है और पेंटिंग बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने सुमातो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कहीं आउटलाइन नहीं होती। इससे साफ पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची कितने टैलेंटेड थे, क्योंकि बिना आउटलाइन के पेंटिंग बनाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और लियोनार्डो दा विंची ने इसको करके दिखाया। ये पेंटिंग देखने में इतनी शानदार लगती है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा दिया था, जिससे ये पेंटिंग हमेशा उसके सामने रहे। मोनालिसा की इस पेंटिंग का एक रहस्य ये भी है कि इस पेंटिंग को जितनी बार देखो, इस पेंटिंग के एक्सप्रेशन हर बार बदलते हुए दिखते हैं। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होंठ इतने रहस्यमय हैं कि ये हर बार देखने में अलग अलग लगते हैं। कभी देखने पर मोनालिसा मुस्कुराती हुई दिखती है तो कभी ये मायूस दिखती है। अब सवाल यह है कि मोनालिसा पेंटिंग हर एंगल से अलग क्यों दिखती है? कुछ इतिहासकार का कहना है कि मोनालिसा का ऊपरी होंठ थोड़ा सा दबा हुआ है, जो मोनालिसा की मुस्कान को रहस्यमय मुस्कान बनाता है। एक न्यूरा साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मोनालिसा के होंठ कभी नहीं बदलते, ये जो भी चेंजेस हैं ये सब ब्रेन के कारण होता है। जब आप उसको ध्यान से देखोगे आपको वो बदलती हुई दिखेगी, इसलिए ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोनालिसा की आंखें थोड़ी खुशनुमा हैं और होंठ थोड़े मायूस, जिससे जब भी कोई इस पेंटिंग को बार बार देखता है तो उसे अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखते हैं। इतिहासकार आज भी इस फोटो की मुस्कान पर रिसर्च कर रहे हैं। मोनालिसा की ये पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग है, जो कि 1662 में $100 मिलियन की थी और 2019 में इस पेंटिंग की कीमत $850 मिलियन है, यानी 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन फ्रेंच के लॉ के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को कोई खरीद और बेच नहीं सकता। अब आज तक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है? लियोनार्डो दा विंची ने कहीं भी अपनी इस पेंटिंग में लेडी का जिक्र नहीं किया हुआ है। कई हिस्टोरियन इस लेडी के बारे में अलग अलग राय देते हैं। कुछ कहते हैं कि वो लेडी उनकी मदर थी, तो कुछ कहते हैं वो मदर मैरी थी, लेकिन इनका कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि 2005 में एक खत पाया गया था जो कि 1503 में लियोनार्डो दा विंची को लिखा गया था। इससे पता चलता है लियोनार्डो दा विंची अपने दोस्त फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ की पेंटिंग पर काम कर रहे थे और जिसका नाम था लीजा जियोकोंडो। अगर फोटो में देखा जाए तो लीजा जियोकोंडो और मोनालिसा की पेंटिंग अलग अलग हैं। 2004 में एक साइंटिस्ट पास्कल कोटे, जो कि मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें अपनी 10 सालों की रिसर्च के बाद कुछ पता चला जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने रिसर्च के दौरान पाया कि उस पेंटिंग में 3 लेयर्स हैं और मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे किसी और की पेंटिंग छिपी हुई है, और जिस लेडी की पेंटिंग पीछे छिपी हुई है उसकी शक्ल लीजा जियोकोंडो से मिलती है। साइंटिस्ट पास्कल का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने पहले लीजा जियोकोंडो की पेंटिंग बनाई होगी, लेकिन फिर किसी कारण से उन्होंने इसको बदलकर एक इमेजिनरी लेडी बना दी होगी जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। ये सिर्फ दा विंची की एक इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं। लियोनार्डो दा विंची की हर पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी होता है, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दा विंची की इस पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी है। जब कुछ साइंटिस्ट ने उस छुपे हुए मैसेज को जानने की कोशिश करी तो पता चला कि उस पेंटिंग में मोनालिसा के उल्टे हाथ की तरफ कुछ लिखा हुआ है, जो था ला रिस्पोस्ता सी त्रोवा की, जो कि इटैली भाषा में था। इसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। लेकिन फिर भी इस रहस्य का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूबिल ये दावा करती है कि इस पेंटिंग को अगर लेफ्ट साइड से जोड़े तो वहां एक एलियन दिखता है,
ये सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन हैरानी इस बात से है कि दा विंची ने उसी जगह पर लिखा था द आंसर इज हियर। रिसर्चर्स इस पर आज भी रिसर्च करने में लगे हुए हैं। मोनालिसा की ये पेंटिंग फ्रांस के म्यूजियम में बड़ी सिक्योरिटी के साथ रखी हुई है, क्योंकि एक बार 1951 में एक आदमी ने इस पेंटिंग पर पत्थर मार दिया था, जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ पर स्क्रैच आ गए थे। तभी फ्रांस गवर्नमेंट ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल रूम बनवाया, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा जाता है कि वो पेंटिंग खराब ना हो पाए, और उस पूरे रूम को तैयार करने में 50 करोड़ तक का खर्च आया था। द विंची की इस बेमिसाल रहस्यमय पेंटिंग में कई राज छिपे हुए हैं, जिन पर से शायद ही पर्दा उठ पाए। सीरियस बातें जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।